अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकीज़ा किचन। आज हम अपने चूल्हे की किस तरह रिपेयर करेंगे, जो कि चूल्हा बहुत ही स्लो जब जलता है तो उसको किस तरह हम उसकी आँच को फास्ट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखिए, ये मेरा चूल्हा है, ये चार बर्नर वाला चूल्हा है हमारे पास। तो ये जो हमारे आगे का है वो तो बिल्कुल परफेक्ट जलता है, और ये जो बड़ा वाला आगे का बर्नर वो भी परफेक्ट है, लेकिन ये जो छोटा वाला पीछे का बर्नर है उसका बिल्कुल बारीक दिखी, लो से भी लो फ्लेम पर ये जल रहा है। तो इसे हमें सही करना है, रिपेयर करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हो। और आजकल के हालात जो हैं, जल्दी हमें वर्कर्स नहीं मिलते और परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, और वो आकर काफ़ी मोटी रकम हमसे ले जाते हैं। तो क्यों ना आज हम अपने हाथों से इसे रिपेयर करेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक कोई भी आप बर्तन ले लें, और ये जो हमारे बर्नर्स हैं, देखिए कितना डस्ट हो जाता है इसमें, वाइट वाइट से सब गंदगी आ जाती है। तो इसे 2-3 महीने में हमें क्लीन ज़रूर करना है। तो हमने यहाँ पर उसके लिए लिया है हारपिक, जो हमें टॉयलेट को साफ़ करते हैं। तो इस तरह हम इसमें डाल देंगे हारपिक बर्नर के ऊपर, और इसी तरह सारे बर्नर्स को रखते जाएंगे और ऊपर से हारपिक डाल देंगे। और इस तरह रख कर हमें 15 मिनट के लिए इसे साइड में छोड़ देना, जब तक चलिए हम अपने चूल्हे को पलट कर इसकी रिपेयर कर लेते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही आसानी से इसे हर कोई अपना काम कर सकता है, तो हमें वर्कर्स की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए, ये जो पॉइंट है देखिए, वो वाला चूल्हा जो हमारा इस तरफ हो चुका है पलट कर, तो हमें इसे रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम एक पक्कड़, सभी के घर पर होता है पक्कड़ और स्क्रू ड्राइवर, ये दो चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसे हम नट को खोल लेते हैं। तो ये काफ़ी टाइट है, तो पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, दोनों तरफ ऑयल डाल के कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़े से तेल जाने के बाद आसानी से खुल जाए। और इसके जो नट्स हैं ऊपर की तरफ, इसे हम पहले निकाल लेते हैं। तो इस तरह हम इसे लूज़ कर लेंगे, और बहुत ही आसानी से ये अब निकल जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अक्सर परेशान हो जाते हैं, क्या करें, मेरे पास तो चार चूल्हे हैं, जिसके भी पास चार चूल्हे होंगे तो थोड़ा काम चल जाता है, लेकिन अक्सर दो चूल्हे जिसके पास होते हैं तो दिक्कत आती है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो मैं चाहती हूँ उनको बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदा हो। तो ये नट्स और हमने स्क्रू निकाल के रख लिया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो ये पार्ट्स होता है मेन पार्ट, इसी से हमारी गैस हमारे बर्नर तक आती है, तो इसे भी हमें क्लीन करना है। और ये बारीक तार ले लें, या बारीक सी सुई जिससे हम कपड़े वगैरह की सिलाई करते हैं हाथ से, और ये सबसे बेस्ट है पिन, ये स्टोव की पिन है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो हम पहले पिन को डालते हैं, जो इसके मतलब स्टोव में भी ये पिन का इस्तेमाल होता है, आजकल तो स्टोव नहीं होता है, लेकिन ये पिन ज़रूर रखिए आप। और इसे हम अच्छे से इसके जो निप होता है इसे क्लीन करेंगे, जो भी इसमें कचरा होता है अक्सर आ जाते हैं, तो वो रुक जाने की वजह से गैस बाहर नहीं आ पाती और हमारा चूल्हा बिल्कुल बारीक जलने लगता है। तो इसे इस तरह अच्छे से हम उसके निप पर सुई डालें, या फिर जो हमने पिन था आपके पास पिन से करें, उसे अच्छे से हम हर तरफ घुमा के बिल्कुल इसे क्लीन कर लेंगे, ताकि जो भी डस्ट हो उसमें से हट जाए, और ब्रश की मदद से हम उसे रगड़ कर क्लीन कर लेंगे। अब हमने जो ये पाइप है इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन करना है। ऐसा तो पता नहीं चल रहा है कि बिल्कुल इसमें कचरा, लेकिन इसमें बहुत से बारीक बारीक कचरे हो जाते हैं, तो इसे हमें क्लीन करना बहुत ज़रूरी, जब हमने निकाला है तो इसे ज़रूर क्लीन करें। देखिए कितना बारीक बारीक सा कचरा, बारीक बारीक सा डस्ट जैसा इसमें है। तो अक्सर हम ऊपर से जब अगर निप अगर हम साफ़ कर लेते, तो कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम आती है कि उसमें फिर वो कचरा वापस आकर फंस जाता है और हमारा चूल्हा फिर बारीक बारीक हो जाता है। तो इसके लिए हमने इसे अच्छे से क्लीन करना है। अब ये साफ़ कर दिया, हमारा पाइप भी अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है, तो हमने जिस तरह रखा हुआ था चूल्हे को उसी तरह हमने पाइप को फिर से फिट कर लेना है।
बहुत इजी है, बहुत ही आसानी से हर कोई इसे कर सकता है। तो मेरा ये वीडियो डालने का मतलब यही है कि सभी के ये काम आए और सभी को इससे हेल्प मिले। तो चलिए अब बर्नल की तरफ चलते हैं और इसे हम क्लीन करते हैं। ये वॉशिंग पाउडर है मेरे पास और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया और इसे ब्रश में अच्छी तरह से वॉशिंग पाउडर लगा कर हमने इसे बर्नल को क्लीन करना है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे ही हमने ब्रश लगाया देखिए कितना फ़र्क पड़ रहा है, इससे एकदम हमारे बर्नल साफ़ सुथरे और चमकदार हो जाएंगे। तो इसमें जो बारीक बारीक डस्ट होता है इसे भी हमें 2 से 3 महीने पर ज़रूर क्लीन करना चाहिए और अच्छी तरह से हमने इसे क्लीन कर लेना है हर तरफ से, ताकि जो इसके अंदर छेद होता है इसमें भी कुछ डस्ट वगैरह हो वो भी निकल जाए। तो इसी तरह हम सारे बर्नल को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, बहुत ही आसानी से साफ़ सुथरे हो जाते हैं। आपको फ़र्क लग रहा होगा कि हमारे बर्नल किस तरह के थे और अब इसका कलर आप देख रहे हो कैसे इसका कलर येलो येलो सा हो रहा है। तो हमने इसे अच्छे से अब एक बार इसे पानी में डाल दिया और फिर इसे हम साफ़ सुथरे पानी में नल के नीचे साफ़ कर लेंगे। देखिए कितना गंदा पानी हो चुका था, तो ये हमने साफ़ सुथरे पानी में इसे क्लीन किया और इसे इस तरह पोंछ लेंगे और इसे इस तरह झटक लेंगे ताकि जो छेद है बर्नल में वो बिल्कुल पानी ना रहे इसमें। तो चलिए अब हम सेट कर लेते हैं अपने चूल्हे को। जो जाली है, प्लेट्स हैं, बर्नल हैं, हम इस पर रखकर सेट कर लेते हैं। तो अब चलिए बिस्मिल्लाह करके हम इसे जलाते हैं। तो ये हमारा बड़ा वाला था और जो ये बिगड़ा हुआ था वो है, और ये हमारे फ्रंट का है आगे वाला, और इसकी रोशनी देखिए और इसकी फ्लेम देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। पहले बिल्कुल स्लो था, अब देखिए इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम खुद रिपेयर कर सकते हैं। मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा। देखिए ये सक्सेस, हमारा बिल्कुल परफेक्ट चूल्हा रेडी है। आप भी इसे फ़ायदा उठाएं और आप इसे अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे बहुत ज़्यादा शेयर करें कि उनकी भी काम आए। देखिए ये मैंने पहले जब हमने फास्ट पे इस तरह जल रहा था, और आज देखिए हमारे चूल्हे की आँच कितनी अच्छी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें इस तरह की पिन आपने ज़रूर रखना है। ये स्टोव वाले जो गैस चूल्हे वाले रिपेयर करते हैं, स्टोव और गैस चूल्हे, उनके पास ईज़िली मिल जाते हैं, तो आपने इसे ज़रूर रखना है। इसकी जो पॉइंट होती है, जो ये बहुत बारीक सतार होता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे चूल्हे फर्स्ट क्लास चारों हमारे चल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपके बहुत काम आए। तो चलिए आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।